वैक्सीन लेने के बाद नहीं, कोई भी मृत्यु जो होती है वो दुखद होती है, और किसी चिकित्सक की या चिकित्सा कर्मी की मृत्यु होती है तो वो समाज का बड़ा नुकसान होता है। और अभी तक पूरे कोरोना काल में जिन भी चिकित्सकों की या चिकित्सा कर्मियों की मृत्यु हुई है वो हम सब लोग के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। कल जब इस समाचार की जानकारी मिली तो मुझे भी बहुत कष्ट हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं कि सरकार के द्वारा सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और जो चिकित्सक की कल मृत्यु हुई है उसके बाद और भी कुछ वहाँ चिकित्सकों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है, तो विभाग उस पर नजर रखे हुए। लोगों के अंदर थोड़ा सा डर बैठ गया, क्या डर बैठ गया? कोई सरकार कोई अवेयरनेस के लिए या कोई मैसेज देना चाहती है इसके माध्यम से? आप देख रहे होंगे कि समाचार पत्रों में लगभग हर एक दिन दो दिन बीच करके कोरोना के संदर्भ में विज्ञापन आता है। पटना के सड़कों पे आप निकलते होंगे तो बहुत सारे जो प्रचार के बोर्ड हैं उन पे आपको दिखाई पड़ते होंगे। आपके मोबाइल के घंटी बजते हैं तो उसमें कोरोना के संदर्भ में जानकारी आपको टीकाकरण के बारे में मिलती होगी। तो जितने भी प्रकार से अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं वो सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि आज बिहार में 99.27% रिकवरी रेट है, और हमारे यहाँ कुल जो एक्टिव केस है वो केवल 368 बचा हुआ है। तो बिहार ने बहुत ही बेहतर काम किया है, लेकिन फिर उसमें कोई घटना हो जाती है तो वो मन को दुख पहुंचाता है। एक सवाल है कि कोरोना वैक्सीनेशन से ऑपोजिशन गायब है, वो नहीं ले रहे, उनको संशय की स्थिति, वो कह रहे हैं कि हम विशेषज्ञ से बात करेंगे, बात करेंगे तब लेंगे। ये उनको मालूम होना चाहिए कि विशेषज्ञ ही नहीं, विशेषज्ञों के विशेषज्ञ हैं जो वैज्ञानिक होते हैं, और उन वैज्ञानिकों ने उस कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है, और देश ही नहीं दुनिया के कई देश भारत के इस कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मांग कर रहे हैं अपने देश में टीकाकरण के लिए। तो दुनिया को विश्वास है भारत के वैक्सीन पे, अब हमारे विपक्ष के साथियों को नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके राजनीति के सिवा और कुछ नहीं।